बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं मीम फाई कोइन से रिलेटेड। फाइनली यहाँ पर एयरड्रॉप के ऑप्शन के ऊपर जो हम लोगों को कोइन्स रिसीव हुए हैं, इतनी बड़ी अमाउंट, इसको हम लोगों ने किस तरीके से सेल करना है और सेल करने के बाद इसका किस तरीके से प्रॉफिट हासिल करना है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए, तो भाई इतनी बड़ी अमाउंट सेल करके आप क्या करोगे। तो चलिए बहरहाल आप लोगों को प्रोसेस भी बता देता हूँ। प्राइस से रिलेटेड इसकी काफ़ी जगहों पर काफ़ी ग्रुप्स के अंदर ये अपडेट दी जा रही है कि इसकी प्राइस $0.1 भी आ सकती है। देखिए $0.1 भी इसकी प्राइस आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस हिसाब से इसने अपनी कम्युनिटी को ठगा है और जिस तरीके से बुल रन चल रहा है, तो इसने जो ठग ठग के अपना पैसा जो अपने बुल रन के अंदर उससे प्रॉफिट हासिल किया है, तो इसको चाहिए कि कम्युनिटी को ये अच्छा प्रॉफिट दे। अगर इसकी टोटल सप्लाई कम थी और इसने क्वींस जो वो अपनी कम्युनिटी को कम कम दिए, तो इसकी प्राइस कम से कम इसको इतनी रखनी चाहिए कि कम से कम एक यूज़र को $100 तो मिलने ही चाहिए। 4 महीने यहाँ पर अनथक मेहनत करी है, गधे की तरह काम किया है आप लोगों के यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर, जो जो आप लोगों ने टास्क दिए वो भी टास्क कंप्लीट किए, और एंड में आकर आपने अपनी ये औकात दिखा दी कंजरों वाली। तो अब बहरहाल चले बात कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन आप लोगों की मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कुछ क्वींस तो हम लोगों को यहाँ पर रिसीव हुए हमारी एलोकेशन के हिसाब से, ये हमारी एलोकेशन के हिसाब से नहीं मिले, ये इनकी स्कीमिंग के हिसाब से हमें क्वींस मिले। ठीक है, एलोकेशन के हिसाब से मिलते तो हम लोगों को अच्छी अमाउंट रिसीव होती। तो बहरहाल यहाँ पर हम आ जाते हैं OKX वालेट के ऊपर, और OKX वालेट के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर चेक यूर मीम फाई एयरड्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे भी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रही थी, और आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी ये अपडेट प्रोवाइड करी थी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वींस शो हो रहे हैं, इनको भी हम क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इनको हम क्लेम नहीं कर सकते। रीज़न यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास इन्होंने जो हमें ये क्वींस दिए हैं, यही क्वींस हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, वजह क्या है, जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1453 मुझे क्वींस रिसीव हुए थे, इसको मैंने ऑफ चैन अपना क्लेमिंग करी है, तो इसमें से 225 क्वींस जो इन लोगों ने काट लिए, जो दिए इन्होंने इसमें से भी 225 क्वींस काट लिए, तो 1453 में से 225 अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 1228 बचते। ठीक है, तो इनको क्लेम करने का कोई प्रोसेस नहीं आएगा, तो आपने इसका इंतजार नहीं करना है। वैसे भी ये स्कैम प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर हम आते हैं नीचे, तो नीचे आने के बाद यहां पर हमारे पास ये इकोसिस्टम एक्टिविटी का ऑप्शन है, यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपसे OKX का वॉलेट कनेक्ट करवाया जाएगा और BNB का एड्रेस जो वो BNB नेटवर्क जो वो यहां पर चूज किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आप इसको भी करना चाहें तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने किया है, लेकिन इसमें कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ कनेक्ट कर लिया है। BNB का एड्रेस इसने ले लिया, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है द क्लेम प्रोसेस स्टार्ट ऑन द लिस्टिंग डे, यानी लिस्टिंग डे वाले दिन कंफर्म होगा कि क्या चीज है और यहां पर ये क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई गैस फीस वगैरह ना कट रही हो, अगर मैंने जब करा था तो उस वक्त तो गैस फीस नहीं कटी थी, लेकिन आप जब करेंगे तो इसमें देख लीजिएगा, अगर ये ट्रांजेक्शन मांग रहा हो तो फिर आपने इसको दफा कर देना, साइड पर कर देना। ठीक है, ये थी इसकी सिचुएशन। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं इसका सेलिंग का प्रोसेस, सेलिंग के प्रोसेस के ऊपर जाने से पहले मैं अपने ट्विटर के पेज के ऊपर आ चुका हूं, तो यहाँ पर ये मैंने ट्वीट किया है 10 मिनट पहले के मीम फाई स्कैम एयरड्रॉप, एवरीवन हु वर्क हार्ड इन मीम फाई रिट्वीट माय पोस्ट। ठीक है, तो इसको आप रिट्वीट कर दीजिएगा मेरे अपना यहाँ पर ट्विटर के पेज के ऊपर आकर, तो इसको आप रिट्वीट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि मीम फाई जो वो एक स्कैम प्रोजेक्ट है। तो अब आते हैं हम यहाँ पर सिंपली, अगर आपने इसका ऑफ चैन विड्रा कर लिया है तो आपने जो अपना OKX की UID वगैरह यहाँ पर ऐड की होगी, जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया था, तो आपको OKX को पर रिसीव हो जाएंगे ये क्वींस। 22 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है और 22 नवंबर ही को ये आपको क्वींस रिसीव होंगे, हो सकता है उससे पहले भी रिसीव हो जाए, लेकिन जो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 22 नवंबर को 1 PM UTC टाइम के मुताबिक। 1 PM UTC टाइम का मतलब ये है कि पाकिस्तान में शाम को 5 बजे 22 नवंबर को, इंडिया में 5:30 बजे और बांग्लादेश में 6 बजे के करीब जो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके पास जैसे ही यहाँ पर मीम फाई के क्वींस की इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पर रिसीव हो जाए, तो उसके बाद सिंपली जैसे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो यहां पर आपने ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते जा रहे हैं उनकी मैं आप लोगों को तमाम ट्रेडिंग वगैरह सिखाता हूं, बताता हूं कि किस तरीके से आपने इनको ट्रेड करके इनको सेल आउट वगैरह करना, तो वही प्रोसेस है। आप यहां पर ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आएंगे, ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहां पर आपके पास कोई सा भी क्वीन शो हो रहा होगा, यहां पर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। यहाँ पर ये सर्च बार है, इस सर्च बार में आपने लिखना है मीम फाई। जैसे आप मीम फाई लिखेंगे तो आपके पास नीचे मीम फाई का टोकन आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मीम फाई का टोकन आ जाएगा, आपने मीम फाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मीम फाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरीके का पेज हो जाएगा। यूँ समझ लें कि यहाँ पर आपके पास ये मीम फाई USDT आ चुका है, तो जिस वक्त यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर सर्च बार में आपके पास मीम फाई का टोकन जो है वो
शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मीम फाई के टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा, जो भी इसकी प्राइस वगैरह शो हो रही होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, आपकी अमाउंट भी यहाँ पर मौजूद होगी। अब यहाँ पर आपके पास मार्केट ऑर्डर का जो ऑप्शन है ना, मेरे पास मार्केट ऑर्डर का शो हो रहा है, आपके पास हो सकता है कोई और शो हो रहा हो। तो अगर मार्केट ऑर्डर शो ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करके मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर सेल के ऑप्शन के ऊपर आना है, और सेल के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट सिलेक्ट करनी है। जैसे आपके पास जितने भी मीम फाई पड़े हुए होंगे यहाँ से आपने सर्कल को खींच कर यहाँ तक ले आना है, 100% हो जाएंगे। उसके बाद आपने सेल के ऑप्शन को क्लिक करके इनको सेल कर देना है, आपके यहाँ से मीम फाई सेल हो जाएंगे और इनके बदले आपको मिल जाएंगे USDT। ये भी मैंने आपको अपने आइस के कोइन के ऊपर प्रोसेस बताया है, लेकिन आपने सारा प्रोसेस ये मीम फाई के टोकन के ऊपर करना है, ठीक है। आप जब सर्च बार में मीम फाई लिखेंगे आपके पास नीचे टोकन आ जाएगा, सेल कर देंगे आपके पास USDT आ जाएंगे। उसके बाद उन USDT को आप चाहे बाइनेंस के ऊपर लेकर जाकर सेल कर लें, या यूज़ करते हुए यहीं से जो आप अपने कोई अपना टोन वगैरह बाय कर लें, कोई और कोइन वगैरह बाय कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोगों को यहाँ से $2-5 का प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज़्यादा का आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। बाकी लिस्टिंग वाले दिन जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हमें कन्फर्म होगा कि क्या इसने मार्केट कैप दिया और क्या इसकी प्राइस होने वाली, ठीक है। बाकी के अलावा मीम फाई ने तो हमारे साथ स्कैम कर दिया, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे ब्लम हो गया, ब्लम से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा। टैप स्वैप हो गया, टैप स्वैप से तकरीबन 50% चांस है कि वहाँ से कुछ ना कुछ हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी तक कोई उसने ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करवाई। एक मरतबा उसने 0.5 टोन की ट्रांजेक्शन करवाई थी तो पूरे जो है दुनिया में वावेला मच गया था कि टैप स्वैप स्कैम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो वो ट्रांजेक्शन उसने अपनी ख़त्म कर दी थी और उसके बाद अभी तक टैप स्वैप ने ट्रांजेक्शन नहीं करवाई है, ठीक है। अगर टैप स्वैप जो है प्रॉफिट देना चाहे तो हम लोगों को इतनी उम्मीद है 50% कि टैप स्वैप से हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा डब्ल्यू कॉइन है, डब्ल्यू कॉइन की भी अपडेट्स आने वाली हैं, देख लेते हैं डब्ल्यू कॉइन से क्या प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए हुए, पास हो गया, नॉट पिक्सल हो गया, और भी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए हुए, तो जिनकी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी वो टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। बाकी जो सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट जो आज तक है ना वो है आइज नेटवर्क। तो आइज नेटवर्क के जितने भी आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए हुए हैं वो आप लोगों ने अगर ज्वाइन किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, उनका इंतजार करें। इंशाल्लाह ताला इन तमाम का दुख सदमा जो वो हम लोगों को आइज नेटवर्क से वो दूर होने वाला है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आइज नेटवर्क हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट देगा, अल्लाह करे दे दे, और उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह ताला वहाँ से हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए हुए इनकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स खाली प्रोवाइड नहीं किए जाते, इनकी तमाम अपडेट से भी आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।